सम्माननीय सेनापति जी, डायरेक्टर एनसीईआरटी, सेक्रेटरी एनसीईआरटी, डीन एकेडमिक्स एनसीईआरटी, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षकों और जो मेंटर्स जिन्होंने ये कोचिंग की है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जस्ट आई सैल्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी फैमिली. इट्स अ अमेजिंग वर्क, अमेजिंग एफर्ट. एंड दिखाया बच्चों ने कि हम स्पेशल क्यों हैं, भारतीय स्पेशल क्यों हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर्स, दिस इज कल्चर, दिस इज ट्रेडिशन, दिस इज फिजिकल फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी विच वी पीपल आर कैरिंग. इट्स अमेजिंग वर्क, प्लीज कंटिन्यू दिस वन. और ऐसे बच्चे ही हमें हायर एजुकेशन में चाहिए, स्वस्थ बच्चे, सुंदर बच्चे, फ्लेक्सिबल बच्चे और जो टीम में काम कर सकते हों, ऐसे बच्चे हमें चाहिए. आपने डॉक्टर साहब AICT का वेन्यू चुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ. बार बार इसको वेन्यू चुनते रहिए, बार बार आपका सम्मान यहाँ पे, आपका अभिनंदन. ऐसे प्रोग्राम करते रहिए. हमने ओलंपियाड सुना था, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, लेकिन योगा ओलंपियाड मैंने कभी नहीं सुना. पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, कि ये जितनी आपकी एक्सरसाइजेज यहाँ पे दिखाई गई है, 90% ऑफ दीज एक्सरसाइजेज आई ऑल्सो कैन डू रेगुलरली. आई एम डूइंग सिंस लास्ट 30 ईयर्स. मेरी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है जब चलता हूँ. सभी शिक्षकों से मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिटनेस, ऐसे बच्चों के साथ मिलके जो है, और एक गठजोड़ बनाएं, एक टीम वर्क बनाएं. एक छोटी सी बात मैं शिक्षकों से कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी बातें नहीं. एक तो उस शिक्षा में अच्छे बच्चे भेजिए. AICT जो है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल एजुकेशन का रेगुलेटर है. दुनिया में कोई हमारे बराबर नहीं है, भारतीय तकनीकी शिक्षा के बराबर कोई सा नहीं है. हम हर साल 37 लाख बच्चों को एडमिशन देने जितनी कैपेसिटी रखते हैं, 37 लाख. सिंगापुर की पॉपुलेशन 32 लाख है टोटल ही, और हम तकनीकी शिक्षा में 37 लाख बच्चों को एडमिशन देते हैं. समझो हमारा कितना बड़ा सिस्टम है. दुनिया की आबादी 700 करोड़, उसमें से 130 करोड़ भारतीय है. 700 में अगर 130 का भाग दूँ तो 6 से कम हमें वो संख्या मिलती है. यानी इस प्लेनेट पे हर छठा व्यक्ति भारतीय है. और इन बच्चों से उम्मीदें हैं कि ये दुनिया के हर कोने में जाएं, विश्व के हर कोने में जाएं. हमारी जो ये विशेषता है जो किसी के पास नहीं है, हो सकता है डॉलर्स हमारे पास कम हो, पाउंड्स कम हो, लेकिन ये जो विद्या आज इन्होंने दिखाई है हमें, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है. ये मैसेज अगर दुनिया के कोने कोने में जाता है, इट विल बी ए वंडरफुल इवेंट, इट विल बी ए वंडरफुल एक्टिविटी इनफैक्ट, एंड इट विल बी ए वंडरफुल फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस. शिक्षकों से बस एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे पे इन बच्चों का बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है. छोटा सा बच्चा जब नर्सरी में पढ़ने जाता है और जब ABCD लिखना शुरू करता है, उसके बाद कुछ वर्ड्स बनाना शुरू करता है. सपोज एक छोटे बच्चे ने वर्ड लिखा मंकी और स्पेलिंग स्कूल में लिख दी MONKY. जब वो घर हमारे पास आता है, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग गार्जियन, जब उसकी आंसर शीट देखते हैं, अपन कहते हैं बेटा ये क्या किया, मंकी स्पेलिंग शुड बी MONKY. द आंसर ऑफ चिल्ड्रन विल बी मम्मी यू आर रॉन्ग, पापा यू आर रॉन्ग, माई टीचर इज सेइंग दैट मंकी स्पेलिंग इज MONKY. दैट मच फेथ दे आर हैविंग. आपका अगर पढ़ाने का मूड नहीं हो बच्चों को, मत पढ़ाना, पर कभी गलत मत पढ़ा देना. नो इरेजर इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड हु कैन इरेज दोज कंटेंट्स विच हैज बीन गिवन बाई टीचर्स. एंड बच्चे के दिल में जो चला गया वो कभी नहीं मिटेगा. शिक्षकों कभी गलत बात मत पढ़ाना, और ये हमारी दोस्ती बच्चों के साथ और कायम होगी इस माध्यम से, इस योग के माध्यम से. शिक्षक और शिष्य के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी. ऐसे बच्चे आप हमें उस शिक्षा में दीजिए, हम आप लोगों के सपनों को साकार करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी NCR टीम को बहुत बहुत बधाई. शायद ऐसा ओलंपियाड हम हायर एजुकेशन में भी करें, टेक्निकल एजुकेशन में करें. थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़.